हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू गाइस डूइंग? आई होप आप लोग सब अच्छे हैं एंड आई एम डूइंग ग्रेट एज वेल। अच्छा ठीक है, बिफोर आई मूव ऑन टू माय नेक्स्ट टॉपिक, बस एक बात बतानी है। आई एम नंदिनी, योर टीचर, योर मेंटर, योर एजुकेटर एट लर्न करो एंड आई विल बी टेकिंग अप योर लीगल स्टडीज फॉर क्लास 12th। ऑल राइट, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू एज वेल एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। हमें बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है, बट ऐसे भी नहीं पढ़ना है कि हमारे कंसेप्ट ही क्लियर ना हो। ठीक है, हम पढ़ेंगे आराम से। फिर इस वीडियो में मैं इंडिया में इतना ज़्यादा बात नहीं करने वाली हूँ कि इंडिया में क्या कंसेप्ट है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर बताऊंगी कि जुडिशियल रिव्यू, सेपरेशन ऑफ पावर्स, ये इंडिया में कैसे अडॉप्ट किए गए हैं। ठीक है, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखना। But explanation of judicial review as well as separation of powers, and there are many a term associated with these. हम देखते हैं कैसे। ठीक है, चलो देखते हैं। Courts and judicial review, क्या relation है, judicial review का क्या मतलब है, इसका मतलब मैं जरूर definitely बताने वाली हूँ। Judicial review is a principle or a legal doctrine. इसका मतलब है इट इज अ सेट ऑफ बिलीव्स। ठीक है, ये एक प्रिंसिपल है और अ प्रैक्टिस। जुडिशियल रिव्यू इज बेसिकली अ प्रैक्टिस। मेरे से सुन लो, फिर हम पढ़ते हैं क्या होता है जुडिशियल रिव्यू। आप देखो, हमारी कंट्री में पहली बात हमने पढ़ा था, हम कॉमन लॉ मॉडल फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें जुडिशरी भी लॉज बनाती है एज वेल एज लेजिस्लेटिव भी बनाती है, एग्जीक्यूटिव भी बनाती है। तीनों लॉज बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। ठीक है, जो भी लॉज लेजिस्लेटिव एज वेल एज एग्जीक्यूटिव बनाते हैं वो लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होने चाहिए। मतलब वो लॉज एज वेल एज कॉन्स्टिट्यूशन दे शुड बी ऑन द सेम वेवलेंथ। मतलब कि कोई भी लॉ, फॉर इंस्टेंस हमारा लॉ कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था अंडर आर्टिकल 124 होता है शायद कि देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हमारे ये आर्टिकल कहता है कि कौन कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ। तो कॉन्स्टिट्यूशन तो कहता है देयर शैल बी अ सुप्रीम कोर्ट। आज के दिन में मोदी आकर एक लॉ बनाने की बात करे जिसमें वो कह दे कि सुप्रीम कोर्ट नाम का कोर्ट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्या ये लॉ वैलिड है, क्या ये लॉ लीगल है? एब्सोल्यूटली नॉट, बिकॉज This leads to the infringement of constitution. Constitution को खराब कर देगा। Constitution का होना ना होना कोई फायदा ही नहीं रहेगा हमारी। ठीक है, तो judicial review, judiciary का ये काम होता है that any law which is against the constitution या फिर infringement of fundamental rights of the individuals, कोई भी ऐसा law अगर बनाया गया है वो उसको null and void कर सकता है on the basis of judicial review। ठीक है, वो review करता है उस चीज को। चलो हम इसको थोड़े से technical terms में देखते हैं। It is a practice, जो practice मैंने बताई वही आपकी book में लिखी हुई है। A court can examine, review, analysis कर सकता है। ठीक है, कोई भी word use कर सकते हो, examine कर सकता है, review कर सकता है, analysis कर सकता है। एंड एग्जीक्यूटिव, जो एग्जीक्यूटिव बनाता है लॉ या एक लेजिस्लेटिव बनाता है, एक्ट सच एज अ लॉ और सम अदर गवर्नमेंटल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। फॉर इंस्टेंस मोदी ने यहां कोई डिसीजन लिया तो ये गवर्नमेंटल डिसीजन हुआ ना। ठीक है, एंड डिटरमाइन इफ द एक्ट इज इनकम्पैटिबल। क्या ये कंपैटिबल है? नहीं है तो उसे इनकम्पैटिबल ही बोलेंगे ना। ठीक है, विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कंपैटिबल वो नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है, जो लॉ बनाया गया है वो बिल्कुल ऑपोजिट वे में बनाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में ना रखते हुए बनाया गया हुआ है। ठीक है, इन सम कंट्रीज लाइक द यूएस, फ्रांस, कैनेडा, ये कंट्रीज तुम्हें याद रखनी पड़ेगी, जुडिशियल रिव्यू अलाउज द कोर्ट टू इनवैलिडेट और नलिफाई द लॉ। I told you we will talk about India definitely for sure in detail because our main concentration is upon India, definitely yes because it is our home country, but or states or countries ki agar hum baat kare, we take into consideration US, Canada, ya hum France ki baat kare, judicial review allows the court to invalidate or nullify the law.
मैं आपको एक शॉर्ट में बता रही हूँ, हाँ इंडिया में भी ऐसा होता है, कोई भी लॉ नलिफाई हम कर सकते हैं, वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं, इलीगल डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस दैट ये चीज कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फ्रिंज कर रही है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ही नहीं है अगर तुम ये लॉ बना रहे हो तो, ठीक है। यहाँ देखो ये स्टेट्स भी ऐसी करती हैं, और भी एक्ट किसका एक्ट, लेजिस्लेचर का या फिर एग्जीक्यूटिव का, इफ दे आर फाउंड टू बी कॉन्ट्ररी मतलब ऑपोजिट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ व्हाट इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स टोटली कॉन्ट्ररी। इन द यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड किंगडम का केस थोड़ा अलग है, एक साइड यूएसए फ्रांस कैनेडा है, एक साइड यूके है, दोनों के जो लॉज हैं वो थोड़े डिफरेंट है। वो क्या फॉलो करते हैं, वो जुडिशियल रिव्यू फॉलो करते हैं, दे कैन नलिफाई एंड मेक एनीथिंग वॉइड विच इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। बट इफ वी टॉक अबाउट यूनाइटेड किंगडम, जुडिशियल रिव्यू पावर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, द कोर्ट्स डू नॉट हैव अथॉरिटी टू नलिफाई और इनवैलिडेट। ये लोग नलिफाई कर सकते हैं, इनवैलिडेट कर सकते हैं, वॉइड बोल सकते हैं, इलीगल बोल सकते हैं किसी लॉ को कि कॉन्स्टिट्यूशन से मैच नहीं कर सकता है, बट यूनाइटेड किंगडम विच इज ब्रिटेन उसमें ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। और इनवैलिडेट लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट, या तो कोई जो पार्लियामेंट होता है, जो लेजिस्लेशन ऑफ द पार्लियामेंट का मतलब ये है जो लेजिस्लेशन है उसके एक्ट को, मेरे से सुन लो ठीक है, जो लेजिस्लेशन होता है, देखो थ्री बॉडीज होती है ना, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट हेड करती है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है, आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल दीज यूनियन मिनिस्टर्स एंड ऑल कम अंडर एग्जीक्यूटिव। ये कोई भी अगर लॉ बना रहे हैं तो यूनाइटेड किंगडम के लॉज के अंदर वो जुडिशियल रिव्यू ये कहता है, ऐसी प्रैक्टिस फॉलो होती है कि वहां पे नल एंड वॉइड कर सकता है, नलिफाई कर सकता है, इनवैलिडेट कर सकता है, इलीगल डिक्लेयर कर सकता है, बट माइंड यू सिर्फ ओनली वन ब्रांच को, लेजिस्लेशन को, जो लेजिस्लेचर विच इज द पार्लियामेंट कोई भी रूल बनाता है उसको नल एंड वॉइड नहीं कर सकता। ऑलराइट, देखो इसमें यही लिखा है, likewise there may be many other countries where court may have different kind of restrictions and may review only। aise usne kaha hai jaise ki united kingdom hai aise aur bhi countries hongi jahan pe sirf ek hi branch ko review kar sakte hain, dusri branch ke laws ko tum touch nahi kar sakte hain, wo kya bana rahe hain tum usko review nahi kar sakte। pata hai aapko ek baat bata dun, united kingdom mein na primary legislation bolte hain, ek waise general knowledge aapki book mein nahi diya hai, प्राइमरी लेजिस्लेशन होती है, सेकेंडरी लेजिस्लेशन होती है। प्राइमरी लेजिस्लेशन पता है कौन हेड करता है, जो कि इनका लेजिस्लेचर, नॉर्मल लेजिस्लेचर जो होता है वो प्राइमरी लेजिस्लेशन होती है। मेन यूके इज ओनली हेडेड बाय पार्लियामेंट, दैट इज वाई कोर्ट्स के पास इतनी पावर नहीं होती है कि वो जुडिशियल रिव्यू कर सके, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड सेकेंडरी लेजिस्लेशन बोलते हैं, जैसे हम लोग एग्जीक्यूटिव बोलते हैं ना, ऐसे ये लोग सेकेंडरी लेजिस्लेशन बोलते हैं। सेकेंडरी लेजिस्लेशन इज हेडेड बाय गवर्नमेंट मिनिस्टर्स, वो जो भी लॉ करते हैं वो सब्जेक्टेड होता है जुडिशियल रिव्यू के लिए, ठीक है। जस्ट नॉर्मल बात बतानी थी यूनाइटेड किंगडम के बारे में, और इससे ज्यादा हम नहीं पढ़ने वाले इसके बारे में, चलो ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स, डेफिनेटली आई टॉक अबाउट जुडिशियल रिव्यू इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया फॉर श्योर, बहुत लेंथी टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में टेकअप करेंगे। लेंथी नहीं है इन द सेंस दैट थोड़ा सा डिटेल्ड है, ठीक है, उसको भी हम समझेंगे, बट लेट्स टॉक अबाउट सेपरेशन ऑफ पावर्स एज ऑफ नाउ। ऑलराइट, मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैव अडॉप्टेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन पार्शली और इम्पार्शली, मतलब या तो उन्होंने कंप्लीट अडॉप्शन कर लिया है सेपरेशन ऑफ पावर्स का, या फिर थोड़ा बहुत अडॉप्शन किया है। अब अडॉप्शन ऑफ पावर्स होता क्या है ये समझ लो। अच्छा यहां देखो, थ्री बॉडीज होती है ना हमें पता है, एक तो जुडिशरी होती है, फिर एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, ये मैंने ठीक बताया। तो कहने का मतलब ये है, देखो सबके पास अलग अलग पावर है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी पावर ऐसा ना हो कि यार पावर दे दी है और किसी को डेफिनेट पावर नहीं दी है तो अकाउंटेबिलिटी नहीं रह जाती। वो कहेगा ये दोनों भी तो हैं, ये दोनों काम कर लेते हैं, ये कहेगा ये दोनों भी तो हैं, इन्होंने तो काम नहीं किया, आप मुझे क्यों कह रहे हो, मतलब कोई अकाउंटेबिलिटी है या कोई आंसरेबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि डेफिनेट पावर नहीं है। सेपरेशन ऑफ पावर्स डॉक्ट्रिन यही कहती है कि हर एक ऑर्गन को डिफरेंट पावर्स मिलनी चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स होनी चाहिए, ये नहीं, कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। बट इट इज ऑल्सो दैट जुडिशरी कैन चेक अपॉन दीज कि वो कोई ज्यादा फायदा तो नहीं उठा रहा है,
ऐसे ये चेक कर सकता है कि ये दोनों फायदा तो नहीं उठा रहे हैं, आपस में चेक कर सकते हैं, बट सबके पास अपनी एक डेफिनेट पाथ होती है, ठीक है? ऐसी कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती, कोई कंफ्यूजन नहीं रहती है, ऐसे अनइक्विवोकल होता है, बिल्कुल क्लैरिटी होती है। चलो यहां पढ़ते हैं, मोस्ट डेमोक्रेटिक कंट्रीज ने क्या कर रखा है, या तो कंप्लीटली फॉलो कर रहे हैं सेपरेशन ऑफ पार्ट्स अमंगस्ट द ऑर्गन्स, या फिर कुछ कुछ थोड़ा बहुत अडॉप्ट कर रखा है। हम देखेंगे इंडिया ने क्या कर रखा है, ठीक है? देखो, या तो पार्शियल या फिर कंप्लीट सिस्टम, पास हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली अमंगस्ट द थ्री ब्रांचेस, थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और द स्टेट, द लेजिस्लेटिव, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। यही मैंने अभी आपको लिख के बताया। डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन of powers ensures that each branch has distinct alag powers hain and responsibilities, har ek ki alag responsibility clearly mentioned hai based on the organizational scheme of the constitution, jo hamare constitution mein sab mentioned hai, supreme court hona chahiye, high court hona chahiye, kya powers honi chahiye, fundamental rights infringed nahi hone chahiye, writs bhi honi chahiye, ये सब चीजें हम और डिटेल में आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू सेपरेशन ऑफ पावर्स ये होती है, सबकी डिस्टिंक्ट पावर्स होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए, विच इज मेंशन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्कीम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दरमोर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स चेक्स एंड बैलेंसेस, चेक्स एंड बैलेंसेस वही बोलते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, जुडिशरी विल टेक केयर दैट एनीथिंग दैट इज डन बाय लेजिस्लेचर एज वेल एज द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा कोई अनड्यू एडवांटेज तो नहीं उठा रहा है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पास का। सिमिलरली द अदर ऑर्गन विल चेक, ऊपर की दो तो नहीं उठा रही है, हर ऑर्गन आपस में मतलब और दो का चेक करेंगी, दिस इज चेक्स एंड बैलेंसेस, कि वो लोग फायदा तो नहीं उठा रहे अपने पास का, ठीक है, और ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो अनड्यू इन्फ्लुएंस ले रहे हैं, अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, ठीक है, और जो उन्हें पार मिली हुई है वो उतनी पार में ही काम कर रहे हैं ना, कोई एक्सेस तो नहीं जा रहे हैं, ये होता है checks and balances, so that no one branch exercises its supremacy, ऐसा ना हो कोई कहे मैं ऊपर हूँ, supremacy मतलब ऊपर रहना, कि inferior show करना औरों को, खुद superior रहना over the others, और misuse the powers, या जो तुम्हारे पास powers already है तुम उसे misuse कर सकते हो, ठीक है? In this way each branch puts a check on the other, यही मैंने अभी आपको बताया, where there is an encroachment, कोई चीज बढ़ रही है जो पार से बाहर जा रहे हैं, और कंफ्लिक्ट ऑफ पार्स अमंग देम, कोई भी कंफ्लिक्ट ना हो पार्स का, सब कुछ डेफिनेट हो, ये ना हो, अकाउंटेबिलिटी रहे कि हाँ ये पार इसकी है, कोई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पार्स ना हो वन ब्रांच में, ऐसा ना हो सारी पार्स जो है एग्जीक्यूटिव को मिली हुई है और ब्रांचेस को पार नहीं मिली है, वो उसका डेफिनेटली फायदा उठाएगा। So, separation of powers doctrine यही कहता है। It is believed that the system of separation of powers may have few advantages. कुछ advantages हैं, तो separation of powers के देखते हैं क्या क्या। It allows for liberty. जितनी power तुम्हें मिली है तुम उसे खुले से exercise कर सकते हो। You have full freedom to exercise that. As it avoids concentration of powers in one branch. हर power डिस्ट्रीब्यूट हो रखी है हर ऑर्गन को, हर ब्रांच को, तुम्हारे पास फुल फ्रीडम है टू एक्सरसाइज द पावर दैट यू हैव, ठीक है? इट प्रमोट्स एफिशिएंसी, अगर कोई चीज, कोई फॉर इंस्टेंस कोई डिपार्टमेंट है वो एक ब्रांच को मिल रखा है, वो फॉर इंस्टेंस डिपार्टमेंट के ऊपर जब एक ही ब्रांच काम कर रही है तो इट विल बी एफिशिएंट, ऐसा नहीं होगा कि एक ही डिपार्टमेंट को तीनों देख रहे हैं और तीनों को देखने के बजाय वो सोच रहे वो दोनों देख लेंगे, वो सोच रहे वो दोनों देख लेंगे, ऐसे कोई भी नहीं देख रहा, कोई नेग्लिजेंस नहीं रह रही है ऐसे, ठीक है? ये बात सारी है, तो एफिशिएंसी प्रमोट करता है जब एक ही ब्रांच किसी चीज के ऊपर काम कर रही होती है। इट फैसिलिटेट्स एंड एनरिचेस डेमोक्रेटिक डिस्कशन थ्रू द पावर्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, जब कोई एक ब्रांच दूसरी ब्रांचेस को चेक कर सकती है, डिस्कस कर सकती है, जो प्रॉब्लम फेस करने हैं चेक कर सकती है, एक बैलेंस मेंटेन हो ये देख सकती है, तो ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और स्ट्रेंथन करती है, ठीक है? द पावर्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू अलाउ जुडिशरी टू सेफगार्ड, टू सेफगार्ड मतलब प्रोटेक्ट करना चेक्स एंड बैलेंसेस, तो प्रोटेक्ट हो रहा है ना, ठीक है? जुडिशियल रिव्यू, इसमें बताया जुडिशियल रिव्यू कैसे स्ट्रेंथन करती है, बताती हूँ। जुडिशियल रिव्यू ऐसा नहीं है कि यार
फॉर इंस्टेंस एग्जीक्यूटिव का, जैसे मैंने बताया मोदी कह रहा है सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए, उसने कोई ऐसे फॉर इंस्टेंस लॉ निकाल दिया है, कोई भी ऐसा कोई लॉ निकल ही नहीं सकता है विच इज कॉन्ट्ररी टू द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जुडिशियल रिव्यू देखता है दैट देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस. और ऑर्गन्स चेक कर रहे हैं, जुडिशरी चेक कर रहा है एग्जीक्यूटिव का काम, डेफिनेटली दिस इज ओनली जुडिशियल रिव्यू. एंड टू एंश्योर दैट द सेपरेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द अदर टू ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, इसमें ये बताया जुडिशियल रिव्यू चेक्स एंड बैलेंसेस में कैसे काम आता है, सेफ गार्ड करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, सेफ गार्ड करता है डेमोक्रेटिक प्रोसेस को. ठीक है, दिस इज इट, मतलब सेपरेशन ऑफ पावर्स यहीं तक है. चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. एक और कंसेप्ट है विच इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स. अनदर कंसेप्ट, मतलब रिलेटेड कंसेप्ट है, देखते हैं इसमें क्या बोला है. अनदर रिलेटेड कंसेप्ट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ डिविजन ऑफ पावर्स बिटवीन फेडरल और सेंटर एंड स्टेट्स. क्या होता है, आपने बहुत अच्छे से बात सुन रखी है, सेवन स्केड्यूल में ये दिया हुआ है. सेवन स्केड्यूल में तीन लिस्ट होती हैं, वो लिस्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, बट मेरे मुंह से सुन लो, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट. कुछ सब्जेक्ट्स, एजुकेशन हम सुनते हैं इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, हाँ कि ना, हम सुनते हैं एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ द स्टेट, हम सुनते हैं एजुकेशन इज अ मैटर ऑफ द स्टेट. सिमिलरली हेल्थ इज अ मैटर ऑफ द स्टेट. ठीक है, हम ये सुनते हैं. इसका मतलब क्या है, स्टेट का काम है, स्टेट लिस्ट में मेंशन है क्लियरली दैट हेल्थ विल बी टेकन केयर ऑफ बाई द पर्टिकुलर स्टेट. सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल रहेगी. हाँ, हमने देखा है सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसे norms issue करती है which is beneficial for whole of the country, but ये specific issue education, health, ये specific issue किसका है, state का है. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि center के पास कुछ अलग power है. जैसे defense है, defense state का काम नहीं है, defense is a matter of the union list. Union list मतलब जो central government take care करती है. ठीक है, ऐसे कुछ powers हैं जो कि divided हैं, ऐसे कुछ भी है जो कॉन्करेंट लिस्ट में भी है. कॉन्करेंट लिस्ट क्या होती है, विच इज ऑफ द मिक्स ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, दोनों को ध्यान रखना पड़ता है. उसके लिए कोई प्रोपोर्शन होता है उनका कि कितना किसका स्टेक होगा. डेफिनेटली ऐसा भी होता है, कुछ टॉपिक्स होते हैं, बहुत चीजें होती है, क्रिमिनल प्रोसीजर, काफी सारी चीजें. इफ यू टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉस में बहुत सारी चीजें ऐसी मेंशन है जिसका टेक केयर कौन करता है, दोनों करते हैं सेंटर एंड स्टेट. 52 आइटम्स लिस्ट है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट में, अगर आप जाके पढ़ो तो. देखो हमें डीप में नहीं जाना है, बस आप थोड़ा सा क्रक्स समझो इसका क्या है. फेडरल गवर्नमेंट हैज लॉ मेकिंग पावर्स डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टेट्स और प्रोविंसेस. फेडरल गवर्नमेंट का मतलब यही है, पावर इज शेयर्ड, विच मींस सिर्फ और सिर्फ सारी पावर स्टेट के पास नहीं है. इसका कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल देखो, नेशनल डिफेंस का एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. नेशनल डिफेंस के जो मैटर्स होते हैं, सब्जेक्ट मैटर एंड फॉरेन अफेयर्स, ऑफन फॉल विद फेडरल गवर्नमेंट. फेडरल गवर्नमेंट हियर मींस द सेंट्रल गवर्नमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट. एंड मैटर्स ऑफ प्रिजन की बात है या डायरेक्ट टैक्सेस की बात है, दिस मे फॉल विद द स्टेट. एजुकेशन, हेल्थ, ये एग्जाम्पल्स लिख के आ सकते हो. दीज ऑल फॉल अंडर द स्टेट, या फिर से प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी बोलते हैं. ठीक है, ये बात समझ आ रही है. डॉक्ट्रीन ऑफ डिविजन ऑफ पावर स्टिप्यूलेट्स एंड डीलिमिट्स. स्टिप्यूलेट करना मतलब स्पेसिफाई करना, एंड डीलिमिट करना मतलब एक लिमिटेशन लगा देना, एक डिमार्केशन लगा देना. द सब्जेक्ट मैटर्स और आइटम्स ऑन विच द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविंशियल स्टेट हैव पावर. तो उसमें यही कहा है, जो डॉक्ट्रीन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है, या फिर डॉक्ट्रीन ऑफ डिविजन ऑफ पावर है. सेपरेशन ऑफ पावर हमने पढ़ लिया, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डिविजन ऑफ पावर. डिविजन ऑफ पावर में यही बताया हुआ है दैट इट स्टिप्यूलेट्स, मतलब स्पेसिफाई, एज वेल एज डीलिमिट्स. डीलिमिट्स मतलब एक लिमिटेशन लगा देना, एक बॉर्डर लगा देना, एक डिमार्केशन कर देना सब्जेक्ट मैटर और सेंट्रल गवर्नमेंट के मैटर, या फिर फेडरल गवर्नमेंट के मैटर, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जो अलग अलग मैटर्स है उनके बीच में एक बहुत अच्छा एक बॉर्डर हो जाता है. एक स्पेसिफाई कर देते हैं कि ये लॉस तुम बनाओगे, ये लॉस का ध्यान वो रखेंगे. डायरेक्ट लॉस कौन, डायरेक्ट टैक्सेस के लॉस कौन बनाता है, स्टेट्स बनाता है. ठीक है, तो इसमें यही लिखा है, देखो, दे हैव डिफरेंट आइटम्स ऑन विच दे हैव टू मेक लॉस. इसमें यही बताया
द स्कीम मे ऑल्सो इन्वॉल्व कॉमन आइटम्स. क्या बोलते हैं इसको मत पढ़ना भी, इसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, स्कीम मे ऑल्सो इन्वॉल्व कॉमन आइटम्स ऑन विच बोथ द गवर्नमेंट्स हैव पास. बोथ द गवर्नमेंट्स कौन कौन सी है यहाँ पे, फेडरल गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोविंशियल गवर्नमेंट, या इसे सेंट्रल गवर्नमेंट बोलो या स्टेट गवर्नमेंट. ठीक है, कोर्ट्स हैव जुडिशियल रिव्यू पास टू डिक्लेयर एनी लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल इफ इट इज इनएक्टेड ब्रीचिंग द डिमार्केशन. अगर उन्हें लगता है कोई भी लॉ तुम्हारे एम्बिट में नहीं आता है, तुम्हारे स्कोप में नहीं है, तुमने लिमिट से बाहर, तुमने बॉर्डर के बाहर, डिमार्केशन के बाहर कोई लॉ बनाया है, उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं. ठीक है, चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. इंडिया, थोड़ा बहुत इंडिया के बारे में बताया, इंडिया के बारे में और हम बाद में बात करेंगे. बता दिया था मैंने आपको, इंडिया विच इज बेस्ड ऑन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फॉलो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे यहाँ पे, राज्यसभा है, लोकसभा है, पता ही है तो हमें. ठीक है, फॉलोज द सिस्टम ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स. हमारे इंडिया में यही होता है, मैंने आपको फर्स्ट यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, अंडर सेवन स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कितने स्केड्यूल्स हैं टोटल कॉन्स्टिट्यूशन के, 12 स्केड्यूल्स हैं. ठीक है, अमंग द थ्री ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट एज प्रिस्क्राइब्ड कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली प्रिस्क्राइब कर रखा है. ये सब चीजें हम पढ़ते ही आ रहे हैं. एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया था कौन कौन होते हैं, प्रेसिडेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, ब्यूरोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे कौन कौन से, वाइस प्रेसिडेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस पढ़ते हैं ना, ये किसका पार्ट है, ये ब्यूरोक्रेसी का पार्ट ही तो है, ये एग्जीक्यूटिव ब्रांच में तो आता है. ठीक है, द लेजिस्लेटिव ब्रांच इंक्लूड बोथ हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट. ठीक है, द लोकसभा एज वेल एज द राज्यसभा. इन द जुडिशरी द सुप्रीम कोर्ट इज द फाइनल अथॉरिटी. सुप्रीम कोर्ट फाइनल अथॉरिटी है फॉर इंटरप्रेटिंग द फाइनल, फॉर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. जुडिशरी इज क्वाइट इंडिपेंडेंट ऑफ द टू ब्रांचेस. उसका कहने का मतलब है दो ब्रांचेस फिर भी हल्की बहुत रिलेट हो जाती है, बट जुडिशरी इज वेरी मच इंडिपेंडेंट ऑफ द टू. अच्छा, एक बात छोटी सी करनी है बिफोर आई एंड दिस वीडियो, ध्यान से सुनना. हम कह तो रहे हैं कि इंडिपेंडेंट ब्रांचेस हैं, हाँ ठीक है, फिर हम ये भी कह रहे हैं कि एक के पार दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा. हाँ, चेक्स एंड बैलेंसेस कर सकता है. यहां देख लेना एक बार, प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है ना, इम्पीचमेंट बताया था ना मैंने आपको, जैसे जजेस का इम्पीचमेंट होता है ना, ऐसे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है. प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए उसकी प्रोसीडिंग्स जो चलती हैं वो पार्लियामेंट में चलती हैं. तो प्रेसिडेंट किसका पार्ट है, एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, और पार्लियामेंट किसका पार्ट है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हो गया. ठीक है, अच्छा ठीक है, ये बात समझ आ रही है. इसको एक मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव को इम्पीच करने के लिए पार्लियामेंट की हेल्प ली जा रही है विच इज लेजिस्लेचर. तो ये क्या इंडिपेंडेंस हुआ या फिर सेपरेशन क्या हुआ, आप समझ रहे हो. तभी कहा जाता है कि इंडिया फुल्ली फॉलो नहीं करता है सेपरेशन ऑफ पावर्स. ऐसा नहीं है कि दे आर ऑल ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर या कंप्लीट नहीं, वो पार्शली अप्लाई जरूर करता है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या ये सब. बट आप देखो, ये एक छोटा सा एग्जांपल है, यू इसका बहुत ताज़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं ना. देखो, जुडिशियल रिव्यू जो होता है, जुडिशियल रिव्यू इज डन बाय जुडिशरी, और किसके एक्ट्स देखता है वो, कि पार्लियामेंट एज वेल एज एग्जीक्यूटिव या फिर लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव ने कोई ऐसा लॉ तो नहीं बनाया है जो कि इन्फ्रिंज कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन को. तो ये भी तो इसके साथ इंटरफेयर कर रहा है. सेपरेशन ऑफ पावर्स इसलिए कहते हैं, ब्रॉड सेंस में यूज होता है हमारे कंट्री में. ठीक है, अब हम आगे स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया डेफिनेटली अपकमिंग वीडियो में पढ़ने वाले हैं. बस ये मैं आपको यही बता रही थी, जनरल बात थी कि यार सेपरेशन ऑफ पावर्स में, कहने के लिए सेपरेशन ऑफ पावर्स है बट ये हो रहा है. आप देखो, मैंने ऐसी लाइव एग्जांपल्स दी हैं, मैं सोच रही थी इनके बारे में तो आपको बता दिया है बस. ठीक है, चलो ठीक है, आई विल पुट एन एंड टू दिस. ये नेक्स्ट वीडियो में स्कोप क्या है जुडिशियल रिव्यू का इंडिया में, हाउ इट इज इंप्लीमेंटेड, रिट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं. रिट्स क्या होता है, रिट्स बताऊंगी रिट्स क्या होता है अगली वीडियो में, देखो उसको जाकर अभी के अभी. आई विल सी यू वेरी वेरी सून इन द अपकमिंग वीडियो. ऑल्सो डाउनलोड आर ऐप,
लर्न करो योर लाइव क्लासेस, ठीक है, हम उसमें नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं क्लास 12 के, आप जाकर चेक कर सकते हो, ये सब चीजें वहां पर मेंशन कर रखी है मैंने, अपनी एक एक एग्जाम्पल वहां बहुत अच्छे से बताया हुआ है। यहाँ पे एनसीईआरटी इसलिए लेते हैं क्योंकि बच्चे बोलते हैं एनसीईआरटी से एक एक लाइन बता दो, इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट्स एज वेल एज वी द टीचर्स ऑल्सो प्रेफर एनसीईआरटी ओवर एनीथिंग, बिकॉज अभी हम सीबीएसई के ऊपर फोकस कर रहे हैं और सीबीएसई के सामने अगर आप देखो ना, एक बार बताती हूँ, जो आंसर शीट आती है ना, मतलब जो चेक कर रही होती है टीचर्स, उनके सामने जो आंसर की प्रोवाइड की जाती है उन्हें, वो आंसर की पूरी आंसर एनसीईआरटी के होते हैं, आपको पता है ये बात, तो फिर इट्स इम्पॉर्टेंट, नो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम एनसीईआरटी की लाइंस पढ़े, उन्हीं को याद करें, ठीक है। एंड दिस इज इट फॉर नाउ, नेक्स्ट पार्ट वील एंड दिस चैप्टर देन एंड देयर। जुडिशरी चैप्टर देखो कितनी जल्दी अभी शुरू हुआ, अभी खत्म भी हो गया, साथ साथ मेरे याद करो, बहुत ईजी हो जाएगा आप लोग के लिए। एंड आई सी यू वेरी वेरी सून, नए हो इस चैनल पे सब्सक्राइब जरूर कर देना, इफ यू लाइक द वीडियो लाइक इट, नहीं पसंद आ रही डिसलाइक भी कर देना, बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्यों पसंद नहीं आ रही है, क्या इम्प्रूवमेंट्स चाहिए, क्या तुम लोग सुनना चाहते हो, मतलब कि कैसे समझना चाहते हो, मुझे बताओ, वी आर हियर टू हेल्प ऑल ऑफ यू आउट देयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, ध्यान रखना अपना, एंड आई सी यू वेरी वेरी सून, बाय बाय फॉर नाउ।